पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आने वाले जून महीने में होने वाले लोकसभा व प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश के निचले व प्रदेश के सबसे छोटे जिला हमीरपुर का मुख्यमंत्री होना प्रदेश की जनता के लिए बेहद बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री को खोना नहीं चाहती। प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा का उपचुनाव मुख्यमंत्री के नाम पर लड़ा जाएगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें हर जगह मान सम्मान दिया। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब राजेंद्र राणा को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी व उनकी पत्नी को उपचुनाव में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया था। चुनाव हार जाने के बावजूद उन्हें कांग्रेस सरकार में प्रदेश आपदा प्रबंधन बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आज वे उसी कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं, जिससे पता चलता है कि राणा किसी के भी हितकारी नहीं है। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव आज से 4 साल बाद आ रहे थे, लेकिन इन प्रोग्रामों को लाने के लिए जो यहाँ के लोकल विधायक ने अपना रूप दिखाया था और जिस तरह हमारे हमीरपुर के ऊपर दाग लगा है कि मुख्यमंत्री हमीरपुर का और उसको उन्होंने झूठ फेंक करके ये बात भी भूल गए कि जब वो कांग्रेस में ज्वाइन किए थे तो अपने लिए भी, अपनी पत्नी के लिए भी और बेटे के लिए भी, और चुनाव हार गए उसके बाद भी वो डिजास्टर के चेयरमैन बने और किसी को भी हम कह सकते हैं कि हमीरपुर में उस वक्त किसी भी विधायक को या किसी भी मेरे ख्याल वर्कर के अनुसार कोई उसने डिजास्टर में किसी की मदद की हो, उन लोगों के लिए काम किया है जो उनकी विचारधारा से पहले थे, उनको ठेकेदार बना के उन लोगों से काम करवाए हैं और आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उस कांग्रेस के लिए जिस कांग्रेस ने उसको जीवन दान दिया था। और जब जीवन दान की बात आई थी तो उस वक्त अकेला आदमी पूरी पांच विधानसभा को किसी कांग्रेस को नहीं पूछता था, मन मर्जी करता था, फिर भी कांग्रेस ने उसको सहा, फिर भी कांग्रेस ने उसके लिए कभी विरोध नहीं किया। एक बार मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे शहरपुर में आए, एज ए अध्यक्ष हम भी साथ थे, तो अपने आप साइड में बैठा रहा, वहां हंगामा करा, कुर्सियां चली टूटी फूटी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो उस वक्त अध्यक्ष थे, कितना बड़ा दिल था उनका, ये अपना लोकल आदमी है, मैं समझता हूँ कि ये कहाँ से काम हुआ है, लेकिन छोड़ो यार का एक विषय के खिलाफ हमने एक्शन करना है, सब हम एक लोग हैं। और आज ये बोलते हैं कि हमें हमारे से हमारे काम ही नहीं होते, हमें मिलते ही नहीं। जिस मुख्यमंत्री जिस अध्यक्ष ने इसको जीवन दान दिया था पार्टी में रहने का, आज वो मुख्यमंत्री है तो उनके ऊपर ये झूठे सच्चे जो बातें कर रहा है और ये भूल गया है कि जिस तरह ये कांग्रेस में प्रवेश किया था और जिस तरह कांग्रेस को इसने लूटा, शायद इतिहास में हमीरपुर के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। बीजेपी की प्रक्रिया है कि अगर पंचायत में चुनाव होगा तो चेहरा मोदी होगा। एमपी के तो पहले प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन इनके 10 सालों में एक नई थ्योरी बनी कि पंचायत का चुनाव होगा तभी मोदी, म्यूनिसिपलिटी का चुनाव होगा बोल तभी मोदी का चेहरा, तो हमारा भी हमीरपुर में और हिमाचल में चेहरा जो है वो हमीरपुर का ही चेहरा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जिसको हाथ का निशान मिलेगा वो ही हमारा कैंडिडेट।